बहुत बार हम लोग किसी एक आशीष को पाने के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन उसका पूरा होना लंबे समय तक टल जाता है और हम उसका कोई कारण भी नहीं समझ पाते। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से थक कर उस आशीष के बारे में ख्याल बदल देते हैं कि शायद परमेश्वर की हमारे लिए योजना कुछ अलग है। परंतु क्या ये ही सही निर्णय होता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 2 आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीच से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है और जिस देश के देने को शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। चारों तरफ अंधेरे और झूठ से घिरे हुए हम जब अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाते तो हम उन हालातों से समझौता कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या रास्ता है? जो हमने अभी पढ़ा था निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 आयत, वहां परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इब्रानी भाषा का शब्द है सिवलॉट, जिसका ट्रांसलेशन किया गया बर्डन या बोझ, और ये उस रूट वर्ड से आता है, उसी रूट वर्ड से सेल्वनुट दूसरा शब्द भी है जिसका मतलब है टॉलरेंस। टॉलरेंस एक तरह का वो है कि बोझों को उठा लेना एक चैलेंज की तरह, कि बोझ अब तो पड़े ही रहने हैं, जो चलने दें इनको। इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने इसके साथ मूसा से कहा कि इज़राइल के लोगों से कहो कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम्हें मिस्रियों को टॉलरेट करने से निकाल दूंगा, तुम उन्हें और आगे टॉलरेट नहीं करोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तुम्हारी पेशेंस से, ताकि जो इजिप्शियन तुम्हारे ऊपर वो हॉरर्स तुम्हारे ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं उनसे तुम्हें निकाल दूंगा। हम भी बहुत बार जब बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो उनसे समझौता कर लेते हैं और फिर वो हमारे लिए न्यू नॉर्मल, नया नॉर्मल बन जाता है, जैसे आजकल चल भी रहा है, और फिर हम उसमें फंसे रहते हैं और कोई कोशिश भी नहीं हम करते कि हम उस जेल से, जो शारीरिक है, फाइनेंशियल है, सामाजिक है या आत्मिक जेल है, हम उसमें से निकलने की कोशिश भी नहीं करते। निर्गमन तभी हो सकता है जब कोई पूरी तरह से कमजोरी से फेड अप हो जाए, पूरी तरह से डेस्परेशन में आ जाए, जो उसे लोग बुली कर रहे हैं, एडिक्शन में फंसा हुआ है या डर में फंसा हुआ है, जब उसे फेड अप हो गए निकलने की कोशिश करे। जो हेल्पलेसनेस है, लाचारी है, वो बहुत गहराई तक जाती है और वो अंत मन को सुन्न कर देती है और फिर उस दर्द को मतलब फील करना भी मुश्किल हो जाता है। हम समझते भी नहीं कि दर्द भी हो रहा, उसके आदि हो जाते हैं और फिर वो हमारी यात्रा चलती रहती है। परमेश्वर एक सिचुएशन बनाते हैं मूसा के लिए कि वो अपने परिवार में ना बड़ा हो बल्कि फिरौन के घर में जाके पैदा हो, ताकि उसका अंतर्मन उस दास्तव से प्रभावित ना हो, उसके मन में आजादी और राइट्स और डिनायल, जो उसके अधिकार हैं उनका, जो उसे डिनाई किया जा रहा है उसके खिलाफ उसमें एक आवाज हो। निर्गमन 2 अध्याय 11वीं 12वीं आयत और 17वीं 18वीं आयत में हम देखते हैं मूसा एक मिस्री को मार देता है जो कि एक इब्रानी को तंग कर रहा था। फिर जब वो वहां से भागता है
तो मिडियनाइट मिडियान में जाकर जत्रो के वहां पर लड़कियां पानी निकालती हैं कुएं से, लेकिन जो दूसरे चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ों को उस पानी से पिला देते हैं और वो लड़कियों को परेशान करते हैं। मूसा उन्हें वहां पर भी छुड़ाता है। अगर मूसा भी इब्रानी जो दास थे उनके घर में ही अपना बड़ा होता तो उसकी जो ये अन्याय की सेंस थी वो शायद पूरी तरह ना होती, और फिर उसमें ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए शक्ति भी शायद ना होती, और फिर वो अनसुटेबल हो जाता कि वो लोगों को दासत्व से छुड़ा सके और उन्हें एक बड़े कौम के तौर पर खड़ा कर सके। निर्गमन 3:11 में वो विश्वास का इतना बड़ा कदम कभी उठा ही नहीं सकता था अगर वो फिरौन के घर में ना पैदा हुआ होता, और फिरौन को वो सामना नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि इजरायलियों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने यही रिवर्शन उनके मन में, जो अन्याय था उसके उनके मन में ये रिवर्शन आ गई कि हमारे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने लिबर्टी आजादी का एक मुहिम चला दी। आदम और ईव के पाप करने के बाद में वो उन्हें परमेश्वर से दूर ही नहीं कर दिया गया, बल्कि वो जो उन्होंने ज्ञान पाया था उस परमेश्वरी ज्ञान जिसके साथ उनके मन में ये आता है, तो उसके साथ वो ज्ञान उनमें है और नेचर की ज्ञान भी उनमें बस जाता है। अब उनमें दो तरह की नेचर आ जाती है, एक तो वो है जो परमेश्वर के जैसी है, और दूसरा है वो सांप वाली जानवर वाली प्रवृत्ति। दो प्रवृत्तियां उसमें हो जाती हैं, और इसके द्वारा उनका जो व्यू है, जो उनका देखने का नजरिया है, वो स्वर्गीय ऊंचाइयों की तरफ से बदल जाता है, और वो स्वर्गीय ऊंचाइयां वो उसके उससे हट जाते हैं, और फिर उनका सोचने का नजरिया एक कैलिब्रेटेड अधीनगी में आ जाता है। और ये दिखाई देता है जब उनके खिलाफ कोई भी जो खड़ा होता है, फिर हमारे अंदर भी ये नजरिया बना हुआ है, जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है तब हम उसे लेबल देने लग जाते हैं, जो कि हमारे जो एक संकरे जो मोरलिटी और जस्टिस हमारा जो एक नजरिया है जो उससे बाहर है, हम उन्हें ही फिर बागी करार देने लग जाते हैं। जो उस समय सही था आज भी वही सही है, और सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हम उसे टॉलरेट करने लग जाते हैं और उसे नॉर्मल मानकर उसको मान लेते हैं कि यही हमारे लिए बना है। हमारे छुटकारे की शुरुआत तभी होती है जब हम ये समझने लगते हैं कि जो हमारी ये परिस्थिति है ये अननेचुरल है, और ये जो क्रुएल्टी हमारे साथ हो रही है ये अननेचुरल है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और फिर हम उस दुख में कराहते हैं परमेश्वर की तरफ, उनकी तरफ फिर हम मुड़ते हैं। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं, उसके ऊपर अपने आप को जाहिर करते हैं, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को खोज करता है और उसकी जो डेस्परेशन जो खोज है उसका उत्तर मिलता है। निर्गमन 3:7-9 आयत में परमेश्वर मूसा से कहते हैं वो जलती हुई झाड़ी से, मैंने सचमुच अपने लोगों की मिस्र में जो दुख है पुकार है मैंने सुनी है, मैंने उनकी कराहना सुना है और किस प्रकार जो स्लेव ड्राइवर्स हैं उन्हें परेशान करते हैं, और इजरायलियों की जो वो दुख की कराहट है वो मेरे पास पहुंची है, और मैंने इजिप्शियंस का जो उनके ऊपर अधिकार बनाया हुआ है उन्हें परेशान कर रहे हैं वो मैंने देखा है। इजरायली लोग मिस्रियों के दास तकरीबन 400 साल तक रहे, लेकिन परमेश्वर की नजर उनके ऊपर इसी समय क्यों पड़ी? जब हम देखते हैं निर्गमन 1 और 2 अध्याय, तो वहां फिरौन इजरायली जो मिडवाइव्स हैं जो दाइयां हैं उन्हें हुक्म देता है कि इब्रानी जो इब्री बच्चे हैं लड़के हैं उन्हें जन्म पर ही मार दिया जाए, लेकिन वो उसे नहीं मानती हैं, वो ये बहाना लगा देती हैं कि यहूदी औरतें काम करने के कारण इतना सक्षम होती, हमारे पहुंचने से पहले ही वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है जनता है। फिर फिरौन हुक्म देता है के जो मिस्री जो इजरायली बच्चे हैं मेल जो लड़के हैं सबको मार दिया जाए, और ये मानना है यहूदी लोगों में कि अम्राम अपनी पत्नी जोकबेट से अलग हो जाता है इसी कारण से कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे मार दिया जाएगा,
लेकिन मरियम जो उसकी बड़ी लड़की है वो उसे उससे प्रार्थना करती है अपने पिता से कि अपनी पत्नी के साथ फिर वापस मिले, और इस प्रकार मोसेस का जन्म होता है। मूसा को उसकी माँ 4 महीने तक छुपा के रखती है और फिर उसे एक छोटी सी टोकरी में जिसमें टार लगाकर और जो नाइल रिवर है उसमें छोड़ देती है, और वहां पर फिरौन की लड़की उसे पकड़ लेती है, उसे पा लेती है और उसे अपने घर में पाल पोसती है। परमेश्वर ने लोगों की डेस्परेशन जब उस लेवल पर पहुंच गई कि वो उसे मानने से इनकार करते हैं, स्टेटस को उसे मानने से इनकार करते हैं, उसे निकलना चाहते हैं, तब परमेश्वर काम करते हैं। पुराने नियम में जब खत्म होता है तो मलाकी की पुस्तक से होता है, वहां पर 4:2 में वो परमेश्वर ये कह देते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। ये वायदा परमेश्वर करते हैं और ये पूरा होता है परमेश्वर के पुत्र के आने के द्वारा। वो रिडीमर बनकर आते हैं, मसीहा बनकर आते हैं, लेकिन इसमें भी तकरीबन 400 साल का वक्फा है। गलातियों की पुस्तक 4:4 में लिखा है, जब सही समय आया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। सही समय तभी आता है जब लोग सचमुच फेड अप हो जाते हैं अपनी उस हालात से, और फिर वो उस बदलाव के लिए पुकारते हैं परमेश्वर की तरफ। एक चर्च ने एक बस खरीदनी थी अपनी एल्डरली जो कॉन्ग्रीगेशन थी उनको, लोगों को अपने घर तक लाने के लिए, घर तक लाना और चर्च में लाना, छोड़ना ये सब के लिए। तो वो सोचते हैं कि हमारे पास बजट जो है कम है, पुरानी बस ढूंढ लेते हैं। खरीदने वाले होते तो एक वेस्टिंग प्रीचर आ जाते हैं वहां पर, उस बात चल रही है, वो कहते हैं हम नई बस अफोर्ड नहीं कर सकते। वो प्रीचर उन्हें कहता है, जब तक तुम्हारे मन में ये निकलता नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तब तक तुम नई बस खरीद ही नहीं सकते। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि हाँ हमें नई की जरूरत है, तो फिर वो सब कुछ बंदोबस्त परमेश्वर कर देंगे। जो स्टैंडर्ड हम अपने लिए सेट कर लेते हैं वही हमारी क्वालिटी और डेस्टिनी हमारी बन जाती है जीवन के लिए। मूसा डेस्टाइंड था, उसके लिए पहले ही निश्चित था कि अपने लोगों को वो दासता से छुड़ा के लेके आएगा, और परमेश्वर ने जोकेबेट और मिरियम के जो उनके प्रयत्न थे उनके साथ जुड़कर उसे बचा लिया और उसे फिरौन के घर में पहुंचा दिया, ताकि वहां पर वो ट्रेन हो उस रोल के लिए जो उसे करना है। बाद में ट्रेनिंग उसे वहां मिलती है, लेकिन रोल 40 साल की विल्डरनेस में रहने के बाद में शुरू होता है। जब डेस्परेशन होती है तो परमेश्वर रास्ता खोल देते हैं ताकि हम उसमें से निकल सके। एक विश्वासी इस तरह का बदला हुआ व्यवहार कैसे प्राप्त करता है? परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करते हैं मिस्र में अद्भुत चमत्कार करने के लिए, जो कि मिस्र को इकोनॉमिकली, मिलिट्री उनकी जो आर्मी, और सोशली उन्हें बर्बाद कर देते हैं और फिरौन को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके इजरायली लोगों को जाने दे। सातवें निर्गमन के 7 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराया है। मूसा फिरौन के घर में बड़ा होता है, वो जानता है कि फिरौन को वहां पर लोग परमेश्वर की तरह मानते हैं, फिरौन अपने आप को परमेश्वर की तरह मानता है, तो मूसा फिर उस परमेश्वर की बात से रिलेट कर लेता है, मैं उसके सामने परमेश्वर बन के जाऊंगा और उसके अनुसार ही फिर वो काम करता है। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें 40 साल लग जाते हैं मिस्र इजरायलियों के बीच में से निकालने के लिए। मिस्र से जाना उस प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने के लिए सिर्फ 11 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें लंबे रास्ते से घुमाया ताकि उन्हें तैयार किया जा सके, उनके अंदर से वो दासत्व की भावना निकाली जा सके, और फिर वो 40 साल तक वो विल्डरनेस में फंसे रहते हैं। गिनती 13:33 में मूसा ने 12 जो स्पाई भेजे थे वो भेजता है उन्हें इसलिए कि जाओ जाके उस जमीन को देख कर आओ किस प्रकार की है जो परमेश्वर ने वायदा किया है। वो जाके वहां पर देखते हैं और जब वापस आते हैं रिपोर्ट देते हैं, 10 उनमें से कहते हैं कि वहां पर जायंट्स हैं
और हम उनके सामने टिड्डों की तरह हैं और अपनी नजर में भी हम टिड्डों की तरह ही हैं, उनकी नजर में और अपनी नजर में टिड्डों की तरह हैं। यहोशू दूसरा अध्याय नौवीं आयत में जब हम देखते हैं यरीहो में रहाब है जिसके पास तो दो सिपाही जाते हैं, वो उन्हें बताती है कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने ये जो जमीन धरती है तुम्हारे हाथ में दे दी है और हम सब लोगों के मनों में तुम्हारा भय पड़ा हुआ है। जितने लोग इस मुल्क में रहते हैं, इस जगह में रहते हैं, हम सब डर के मारे पिघल रहे हैं, मेल्टिंग इन फियर बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ यहोशू और कालब आकर वो 12 स्पाइस के साथ सही रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं चलो हम ही अभी जाकर उस जमीन को पकड़ सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को लोग नहीं मानते हैं और वो जो 10 हैं उनकी बात को वो मानते हैं, हालांकि दुश्मन जो है उनका उनकी मौजूदगी से ही डरा हुआ था। निर्गमन 14 में 12 से 14वीं आयत में जब वो लाल समुद्र के सामने जाते हैं तो इजरायली लोग पीछे मिस्री सेना को देखते हैं और आगे फिर वो समुद्र को देखते हैं, फिर वो चिल्ला उठते हैं मूसा के सामने, वो कहते हैं क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो उनके मन में वो दास्तव भरा हुआ है, उनमें से वो निकलता नहीं है, लेकिन मूसा उन्हें उत्तर देता है, वो एश्योरेंस देता है, वो कहता है डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। वो कहता है परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हर पल तैयार हैं अगर हम समर्पित करते हैं अपने आप को। निर्गमन 16:4 में परमेश्वर मन्ना वो स्वर्ग का स्वर्गदूतों का खाना इजरायलियों को देते हैं ताकि उनको अंदर से बदला जा सके, उनका व्यवहार स्वर्गदूतों की तरह बन जाए, इसलिए उन्हें यह खाना दिया जाता है, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना है उन्हें, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। निर्गमन 20:1-20 तक परमेश्वर सायनाई पर्वत के ऊपर आते हैं ताकि वो इजरायलियों को अपना लॉ 10 कमांडमेंट दे सके, लेकिन लोग मूसा से कह देते हैं तुम हमसे बात करो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, परमेश्वर को मत बोलो कि हमारे साथ बात करें नहीं तो हम मर जाएंगे। इब्रानियों के पुस्तक 1:2 में लिखा गया है परमेश्वर ने पहले नबियों के द्वारा हमसे बात की, मूसा के द्वारा नबियों के द्वारा, और फिर समय आने पर उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारे साथ बात की, और उस पुत्र के द्वारा जिसके द्वारा ये सब रचना की गई वो हमें हमारे पास भेजा गया। जिस प्रकार सनाई पर्वत के ऊपर इजरायलियों ने परमेश्वर की बात सुनने से इनकार कर दिया था, आज भी परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, उसे इनकार कर देते हैं। मार्कुस 6:48 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु पानी पर चलकर आ जाते हैं, चेले नाव में उस तूफान के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन वहां लिखा है वो उनके पास से निकल जाना चाहते थे, अगर वो ना पुकारते तो शायद उनके पास से वो निकल जाते। परमेश्वर में आशीष देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो तभी देते हैं जब हम पूरी तरह से उन्हें ढूंढते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, डेस्परेशन में आ जाते हैं। यशायाह 6:8 आयत में यशायाह नबी परमेश्वर की महिमा टेंपल में देखते हैं और फिर वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं किसको भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा। यशायाह नबी के लिए बात नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन यशायाह नबी ये सुनते हैं और वो कह देते हैं यहां मैं हूं, मुझे भेजो। परमेश्वर कभी भी किसी को बगैर पूरी तरह से तैयार और अधिकार दिए बिना भेजते नहीं है। उत्पत्ति 1:28 में आदम को पूरा अधिकार दिया गया, फिर उसे कहा गया डोमिनेट और सबड्यू करो, अधिकार जमाओ और इसे अपने अधीन कर लो धरती को। लूका 10 में 1:9 और 17 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने 12 चेलों को भेजा और उन्हें अधिकार दिया कि जाओ बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाओ। 17 में जो 70 चेले हैं वो वापस आते हैं आनंद मनाते हुए, ये कहते हैं
प्रभु आपके नाम में तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन थी, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह अधिकार उन्हें दिया था, तैयारी से भेजा था। मत्ती 28 की 19वीं आयत में जब ये हमें आज्ञा मिलती है वो ग्रेट कमीशन की, जाओ चेले बनाओ और बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, तो हम एक नदी के रिश्ते में और वननेस में परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उनके अधिकार में हम, उनके दिए गए अथॉरिटी में हम चलते हैं। और ये जो नया जन्म है ये हमें एक नई पहचान देता है, पुराना दब जाता है उस बपतिस्मे के समय पर। लूका 15 की 22वीं आयत में जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो पिता उसे नया वस्त्र देता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है, उसके पैरों में जूता पहना देता है। नई पहचान है, नए अधिकार हैं, अपना नाम उसे दे देता है उस फिंगर उस अंगूठी के द्वारा। योना 1:12 में विश्वास के द्वारा हम भी, उस प्रभु यीशु ने हमें भी परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। और फिर रोमियो 8:17 के अनुसार हम उनके संगी वारिस बन जाते हैं, ज्वाइंट हेयर बन जाते हैं उनके साथ। और अफसियों 6:6 में उनके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है और हर तरह की आशीषें, आत्मिक आशीषें हमें दी गई हैं। वो अधिकार और डोमिनियन हमें वापस दे दिया जाता है जो शैतान ने आदम से चुरा लिया था। लूका 22:31-32 आयत में हम देखते हैं कि शैतान ने पत्रस रसूल को मांगा कि उसे गेहूं की तरह धुन सके, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने वो पूरा मूल्य चुका दिया है। शैतान का अभी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसके चंगुल से हम छुड़ाए गए हैं। रोमियों की पुस्तक 8:34 आयत में प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं पूरे अधिकार के साथ, और स्वर्ग में हमारे लिए वो इंटरसेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या हम परमेश्वर के बच्चे होने की तरह चलते हैं, उनके गुणों को प्रकट करते हैं, उनकी तरह हमारा व्यवहार होता है कि हमारे पास सब अधिकार दिए गए हैं, क्या हम उन अधिकारियों में चलते हैं? गलातियों की पुस्तक 4:1 में लिखा गया है, एक एयर जो उत्तराधिकारी है जब तक वो बच्चा है तो एक दास की तरह ही है, एक विश्वासी भी उसी प्रकार जब तक विश्वास में बढ़ता नहीं है एक दास की तरह ही है। मार्कुस 9:23 में प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 28:20 आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा किया कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा वो वादा पूरा हो जाता है। दूसरा तिमोथियुस 1:7 आयत में लिखा गया है, हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि हमें बल प्यार और आत्म संयम का आत्मा दिया गए हैं। मत्ती 14:28 में पत्रस रसूल प्रभु यीशु को देखते हैं पानी पर चलते हुए, वो कह देते हैं प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं आ जाऊं, और फिर वो भी पानी पर चलता है। मुश्किल पानी पर चलने की नहीं है, मुश्किल उस किश्ती में से निकलने की है, वो किश्ती जिसमें हम सुरक्षित हैं उस सुरक्षा को छोड़कर आगे बढ़ने में है, क्योंकि हम ये डर जाते हैं लोग क्या सोचेंगे, अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, हमारा मखौल उड़ाया जाएगा। क्या हम सचमुच उन तूफानों से फेड अप हो चुके हैं कि उस तूफान को, उस किश्ती को छोड़कर ही हम परमेश्वर के बल में निकल पड़े? परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और फिर अपनी महिमा हमारे ऊपर जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी इमेज और लाइकनेस में बनाए गए हैं। फिर मेरी प्रार्थना बदल जाती है, फिर हम हर दिन उन्हें ढूंढते हैं कि मुझे वो बनने में सहायता कीजिए जो आप मुझे देखना चाहते हैं। हेल्प मी टू बी वट यू वॉन्ट मी टू बी, हेल्प मी टू डू वट यू वॉन्ट मी टू डू, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यही कहते हैं, मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, जो उसे देखता हूं करता हूं और मैं वही करता हूं। प्रार्थना हमारी फिर इस प्रकार बदल जाती है। इस हालत में फिर हमारी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर कभी भी कोई गलती नहीं करते हैं, उनके रास्ते हमारे तरह नहीं है, उनके विचार हमारी तरह नहीं है, और वो हमारी जो डीपेस्ट प्रेयर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके समय को, उनके रास्तों को समझ नहीं पाते, उन्हें हम इग्नोर करने लग जाते हैं। 1 शमूएल 1:5-6 और फिर 10:11 आयत में हाना है, वो अपने पति की दूसरी औरत के ताने सुनती है क्योंकि परमेश्वर ने
उसे बांध कर दिया था उसी उसकी होम ही क्लोज्ड हर होम और वो यरूशलेम में रेगुलर विजिटर थी अपने परिवार के साथ और एक विजिट में वो अपने पूरे अंतर्मन से पुकारती है परमेश्वर को और परमेश्वर के कानों में उसकी पुकार पहुंच जाती है। अब उस पुकार में इस प्रार्थना में फर्क क्या है? पहला ये है परमेश्वर का समय और टाइमिंग और प्लान हमेशा परफेक्ट है। वो चाहते थे कि याना हाना उस समय राइट समय पर राइट प्लेस में हो और एक बच्चे के लिए मांगे जो कि फिर परमेश्वर के घर में एली के साथ रहे। दूसरा, हाना ने अपने दुख को परमेश्वर की आज्ञा उनके अधिकार के सामने रख दिया और फिर उनके उनके पावर और एबिलिटी में उसने कोई शक नहीं किया। 11वीं आयत में उसने प्रार्थना की एक पुत्र के लिए और वो वायदा कर देती है यह पुत्र सदा आपके घर में रहेगा और नाजरेट बनेगा, इसके बाल नहीं काटे जाएंगे। और वो किसी और की हजूरी को पहचानती नहीं, एली वहां बैठा है कोई, वो अपने पूरे अंतर्मन से पुकारती है, हम्बल है, टूटी हुई है और उसका सिर्फ फोकस परमेश्वर के ऊपर है और वही उनके सिचुएशन को बदल सकता है। तीसरा, हाना सच्चाई परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करती है, उनकी इच्छा पर विश्वास करती है और उनकी इच्छा कि वो उत्तर देंगे। फिर वो 18 से 20वीं आयत में वो कह देती है, प्रार्थना कर देती है और फिर उसका मुंह लटका हुआ नहीं है, वो उठती है और आगे बढ़ जाती है। जब उसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम वो शमूएल रख देती है, कहती मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया है। परमेश्वर की आराधना करती है, वो चिंता नहीं करती है। चौथा है, वो आज्ञाकारिता में थी, जो उसने वायदा किया उसे पूरा करती है। 24 से 28वीं आयत में वो बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद में लेके जाती है और परमेश्वर के घर में छोड़ देती है सदा के लिए। अपनी इमोशंस, अपनी सब चीजों पर वो फतेह पा लेती है, आज्ञाकारिता में चलती है। हर साल वो शमूएल के लिए वस्त्र लेके आती है। पांचवा, परमेश्वर की आराधना करती है, वो उसका छुटकारे के लिए उसका धन्यवाद करती है। पहला शमूएल, दूसरा अध्याय, उसमें हाना की प्रार्थना है। हाना की प्रार्थना मेरी की प्रार्थना, मेरी मैग्निफिकेट से मिलती है। दोनों परमेश्वर की महिमा करती हैं, धन्यवाद करती हैं। हमारे भीतर हर एक इंसान के तरह एक गुण दिए गए हैं जो कि एक कोयले की तरह है हमारे भीतर, और वो कोयला या एक अनकट जो डायमंड है वो पत्थर की तरह है। जब तक कोयला आग में नहीं जलता है उसके अंदर वो आग पैदा होती नहीं है। जब तक डायमंड को काटा नहीं जाता है वो किसी तरह से अपनी सुंदरता को नहीं पहुंचता है। परमेश्वर भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आने देते हैं ताकि हम भी फिर उस विश्वास में हमारे अंदर वो आग दिखाई दे। दानियल 3:24-25 आयत में शद्रक, मेशाक और अबेदनगो को आग में डाल दिया जाता है, लेकिन राजा फिर पहचानता है कि उनके साथ एक चौथा आदमी भी है और वो चौथा आदमी परमेश्वर के पुत्र की तरह है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हम पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित होना चाहते हैं? इस बात की हम वेट ना करें कि हमें आग की भट्टी में फेंक दिया जाए, हम उससे पहले ही उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में बने रहें ताकि आग की भट्टी में फेंके जाने पर वो हमारे साथ खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस वायदे को पूरा करने के लिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, और वो वायदा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर पूरा कर देते हैं। सहायता कीजिए कि हम आपके साथ एक अद्भुत नजदीकी के रिश्ते में, आज्ञाकारिता में चलें ताकि हम उस नजदीकी में फिर होते हुए उस फर्नेस से, उस भट्टी से बचे रहें, और अगर हमें वो उसमें जाना पड़ता है तो जब हम पुकारें तो आप हमारे वहां गिराए जाने से पहले हमारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हों ताकि फिर हम उस परेशानियों से निकल सकें। हमारे भीतर जो वो आग है वो आपकी आशीष की आग जलती रहे ताकि दूसरे आपकी आशीषों की, आपकी पवित्रता की आग हमारे जीवनों में देखें और आपको हमारे जीवनों में देखें और आपकी तरफ मुड़ें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्यार करने वाला एक पिता काम में व्यस्त होने पर भी पास खेलते हुए बच्चे पर नजर रखता है और उसके किसी कारणवश रोने पर सब छोड़कर उसकी ओर भागता है। हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें हर समय आशीषें देने को तैयार हैं,
लेकिन इंतजार करते हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें। हम सब किसी मुसीबत आने पर ही उन्हें याद करते हैं, पर क्या हमें मुसीबत को टालने के लिए उन्हें याद करना नहीं चाहिए कि मुसीबत आए ही नहीं? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, शालोम।